हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष। देव गुरु बृहस्पति जो कि कुंभ राशि में बकरी होने जा रहे हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या शुभ परिणाम, क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या नए विचार और क्या क्या नए उपायों के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो को अंत तक अग्रि तक अवश्य देखिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति जो भी कुंभ राशि में वक्री हुए हैं अब क्या परिणाम देंगे मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। देखिए, देव गुरु बृहस्पति 20 जून 2021 को वक्री होने जा रहे हैं कुंभ राशि में, जो कि 14 सितंबर 2021 तक वक्री रहेंगे कुंभ राशि में। और 14 सितंबर 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक ये कुंभ राशि में फिर मार्गी हो जाएंगे। तो अब इनका क्या प्रभाव रहेगा, क्या महत्वपूर्ण बात है, वो सभी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। देखिए, देव गुरु बृहस्पति के इस समय देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री हुए हैं, वो उसकी शनि की राशि है, पर इसमें देव गुरु का मतलब यही होता है कि वो दैत्य गुरु है, एक महान गुरु है, तो इसलिए वो कोई भी अशुभ परिणाम नहीं देंगे, वो शुभ परिणाम अच्छे संकेत ही आपको प्राप्त कराएंगे। देखिए, देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि है। देखिए, उनकी पंचम दृष्टि द्वितीय स्थान पे जा रहा, वह 12वें स्थान पे जा रही है जो कि खर्च स्थान है, वृश्चिक तुला राशि को इस समय जा रही है। और जो उनकी सप्तम दृष्टि है इस समय अपने ही घर को मतलब दशम स्थान को देख रहे हैं, दशम आमने सामने होने से क्या प्रभाव होंगे वहां आपको बताने जा रहा हूँ। और देखिए, नवम दृष्टि इस समय अष्टम भाव में जा रही है जहाँ मिथुन राशि विराजमान है। अब देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या क्या परिणाम है, क्या महत्वपूर्ण बात है, वो सभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देव गुरु बृहस्पति इस समय 12वें स्थान को देख रहे हैं, जो आपका अनावश्यक खर्च हो रहा था, इस समय बहुत ज्यादा अधिक खर्च हो रहा था, वो आपका पूर्ण रूप से आपके संकेत में मतलब आपके नियंत्रण में आ जाएगा। पत्नी इस समय आपके को पूर्ण रूप से रोकेंगी, पत्नी का आपको इस समय पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, जो पत्नी से वाद विवाद चल रहा था वो इस समय दूर होगा, आपका धन इस समय अधिक बढ़ जाएगा, पारिवारिक जीवन में जो अशांति का माहौल चल रहा था वो सुख समृद्धि के माहौल में परिवर्तित होगा, और जो एक पारिवारिक जीवन में एक प्रसन्नता का माहौल रहेगा, एक शुभ कार्य, एक शुभ मंगल कार्य जो होने वाला है वो इस समय 120 दिन के अंदर देव गुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में अवश्य करा के जाएंगे। कोई शुभ कार्य आपके घर पर अवश्य होगा, पारिवारिक जीवन में धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं, और पारिवारिक जीवन के साथ कहीं बाहर कहीं घूमने भी आप अवश्य जा सकते हैं। बड़े भाइयों को आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें आप पूर्ण रूप से उनका सहयोग देंगे, जिससे आपके आगे जाने भविष्य में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके व्यक्तिगत जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने के पूर्ण योग है। देव गुरु बृहस्पति आपको राजनीतिक पक्ष से, या तो अगर आप राजनीति पद में हैं तो आपको कोई राजनीति बड़ा पद प्राप्त हो, अगर आप राजनीतिक में नहीं है तो आपको कोई बड़ा एक मान सम्मान, गवर्नमेंट संबंधी मान सम्मान इस समय आपको प्राप्त होगा। संतान का के लिए जो आप बहुत अधिक समय से परेशान चल रहे थे, उनके लिए चिंताकारक जो विषय समय बना हुआ था वो इस समय समाप्त होगा। जो अधिक समय से आपको संतान के पक्ष में चिंता बनी हुई थी वो इस समय से पूर्ण रूप से समाप्त होगी। जो अधिक समय से उनके लिए आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे उस समय आप पूर्ण रूप से उनके लिए निर्णय लेंगे। जो मेहनत परिश्रम आपने बहुत अधिक समय से किया हुआ है, उसका परिश्रम आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है वो इस समय को पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इस समय कार्य क्षेत्र में नए विकासपूर्ण योजनाएं बनेगी। आप जो अधिक समय से जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो आप प्रॉफिट, जो मार्जिन, जो सफलता अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई, आप अभी तक ये सोच रहे कि हमारा जो भाग्य है, जो हमने प्रॉफिट सोचा था वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, वो इस समय देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री होने से ये 120 दिन के अंदर आपके बिजनेस में चार चांद लगा देंगे। इतना प्रॉफिट, इतना मार्जिन और इतना बड़ा बिजनेस करा देंगे देव गुरु बृहस्पति ने जितना आपने सोचा नहीं, बहुत अधिक आपका बिजनेस बढ़ेगा। नए बिजनेस के पूर्ण योग बनेंगे। जॉब वालों के लिए जो प्रमोशन रुके हुए थे वो पूर्ण रूप से आपके प्रमोशन होंगे, और जो कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी चल रही थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। जो सीनियर, जो बॉस आपको परेशानी उत्पन्न कर रहे थे वो अपने आप समाप्त होगी, बॉस आपके पक्ष में होंगे, आपके प्रमोशन सैलरी बढ़ने के पूर्ण अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो गवर्नमेंट संबंधित कोई ना कोई परेशानी चल रही थी वो इस समय समाप्त होगी। जो पैतृक संपत्ति का जो मामला चल रहा था वो इस समय आपके पक्ष में आएगा। जो भी गवर्नमेंट संबंधित मामले चल रहे थे वो आपके पक्ष में आएंगे, आपके अनुकूल रहेंगे। इस समय विदेश जाने का योग भी आपका बन सकता है। संतान पक्ष के लिए कोई अगर संतान अब इस समय पढ़ाई या कोई नया बिजनेस शुरू कर रही है तो उसमें उनको सुख फलदायक समय रहेगा। उनके लिए कोई अगर नया बिजनेस शुरू कर रही है तो उनके लिए भाग्य उन्नतिदायक समय रहेगा, मतलब बहुत ही बड़ा अच्छा बिजनेस वो शुरू करेंगे और वो भविष्य में जाके बड़ा आकार अवश्य लेगा। जो शत्रु आपके छुपे हुए थे वो आपके समक्ष होंगे। आज मैंने आप सभी को बताया मकर
वृश्चिक राशि वालों के लिए ये देव गुरु बृहस्पति क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण विशेषता लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।